है बोल। गद्दी लूंगी और मैंने पता नहीं दिया इसको। तो रास्ते तो खोल रही हूँ मैं। खुले हैं जब से इस बच्ची को इस दरबार में लेके आई हूँ, काम बने हैं। तो बढ़ा तो रही हूँ मैं काम। अब गद्दी का हुकुम चाहिए तेरे को? पहले घर, अपने घर ले लूंगी, वो भी करा दूंगी। बोलो मेरे साथ से। उन बच्चों को वचन दिया है 6 महीने का रास्ता उन पे चलाने का और घर बनाने का, और उसी घर में गद्दी लूंगी। तो खोल तो रही हूँ मारा घर, और कितने खोल लूं? चलो मस्तक ना हो। बोलो मेरे साथ। मामा आज बहुत खुशी होगी कि आज मेरी आप तो बात होगी। इतने दिन तक इच्छा थी, अब भी मैं ये सोच रही थी कि सबका नंबर आ जाता, मेरा नंबर क्यों नहीं आता कि मैं माँ से बात करूं। और कब बात होगी? कब बात होगी? मेरे कोट बंगाल मेरी इच्छा पूरी कर दी माँ आपने। बहुत खुश हूँ, आज मुझे वो मिल गया तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आज ही मिल जाएगा। तो बोला भी तो आज था। हाँ माँ, दोस्तों सच्ची नियत से मांगता है तो मैं तो तभी जोड़ी भर देती हूँ। हाँ माँ, क्योंकि तुम्हारा गुरु के प्रति श्रद्धा, पूरा श्रद्धा, सच्चा विश्वास है, और जो गुरु के रास्ते पे पूर्ण रूप से चलता है तो मैं उसकी झोली ऐसे ही भरती हूँ बच्ची। हाँ माँ, मेरे गुरु मुझे सपने में आके मेरे हर प्रॉब्लम की सॉल्व करके जाते। मेरे गुरु मुझे मेरे सपने में हर बार दर्शन देते हैं, तो जब भी मैं परेशान होती हूँ मेरे गुरु मेरे सपने में आके मुझे रास्ता बताते हैं माँ। तो मैं उन मूर्खों को ही समझाती हूँ कि तुम जिस गुरु से भी मुख होके चल रहे हो ना, बाद में तुम्हें क्या भोगना पड़ेगा। लेकिन स्थिरता हमें स्वयं से लानी पड़ती है, क्योंकि अभी तो परीक्षा होगी। एक बार तो गुरु परीक्षा मैंने ले ली, दूसरी परीक्षा एक बार और होगी जल्दी। माँ आपका आशीर्वाद रहे और गुरु का रहे तो मैं उसमें भी सफल होंगी, मुझे विश्वास है। बोलो मेरे साथी। बोलो सारे रास्ते खुलेंगे, चिंता मत। बोलो।